जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस गन यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ब्रेन लाइट मशीन गन के बारे में, जो कि भारतीय सेना द्वारा यूज की जाती है और काफी फेमस और काफी अच्छी मशीन गन है ये। और ब्रेन जो लाइट मशीन गन है ये क्रिमिनल्स माफियाओं के बीच में इतनी फेमस थी कि वो इसको खरीदने के लिए कोई भी मुंहमांगी कीमत चुकाने को तैयार थे। ऐसा ही एक वाक्य मैं आपको बताऊंगा, जब एक क्रिमिनल या कहें माफिया इसको खरीदने के लिए 1 करोड़ की कीमत देने को तैयार था, उसने 1 करोड़ में इसको खरीद लिया तो क्या था वाक्य, क्या है इसकी खासियत, सब कुछ जानेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें। ब्रेन गन या कहें ब्रेन लाइट मशीन गन ये भारतीय सेना की दमदार मशीन गनों में से एक थी। ये जो है 7.62 mm कैलिबर बेस्ड लाइट मशीन गन थी। ये जो है गैस ऑपरेटेड टिल्टिंग बोल्ट एक्शन पर आधारित मशीन गन थी। इसको सर्विस में 1938 में शामिल किया गया था, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले। इसको जो मैन्युफैक्चर करती थी वो रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री जो कि ब्रिटिश कंपनी थी वो करती थी, और इसको एनफील्ड फैक्ट्री भी करती थी जो कि ब्रिटिश कंपनी थी। इसको भारतीय कंपनी या इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्री ईसापुर जो फैक्ट्री थी वो भी इसका निर्माण करती थी, ईसापुर राइफल फैक्ट्री। बात की जाए इसके वेट की तो जो इसका वेट था वो 10.5 केजी था। बात की जाए ब्रेन गन जो थी इसकी लेंथ की तो इसकी जो लेंथ थी वो 116 सेंटीमीटर थी। बात की जाए वैरल लेंथ की तो वो 63.5 सेंटीमीटर। बात की जाए इसमें यूज होने वाली कैलिवर या कार्ट्रिज की तो इसमें 7.62 × 51 mm नेटो स्टैंडर्ड का जो कार्ट्रिज या कैलिवर यूज होता था। बात की जाए ब्रेन लाइट मशीन गन की इफेक्टिव रेंज की तो जो इसकी एक्टिव रेंज थी वो 600 थी। बात की जाए 1 मिनट में कितने राउंड फायर कर सकती थी तो ये 1 मिनट में करीब करीब 600 to 650 राउंड पर मिनट फायर कर सकती थी। और इसकी जो मैगजीन थी उसमें 30 राउंड बॉक्स मैगजीन और 100 राउंड मैगजीन भी लग जाती थी। इसके अलावा इसमें बेल्ट जो मैगजीन होती है वो भी लग जाती। जो ब्रेन लाइट मशीन गन थी इसको पाने के लिए जो माफिया थे, बदमाश थे, गुंडे थे, क्रिमिनल्स थे वो हमेशा लालायित रहते थे। ऐसा ही वाक्य हुआ था 2004 में उत्तर प्रदेश में, जब यहाँ का जो माफिया है मुख्तार अंसारी उसने इस खरीदने के लिए जो ब्रेन लाइट मशीन गन है इसको खरीदने के लिए 1 करोड़ का सौदा किया था आर्मी के भगौड़ा जवान के साथ। वो जो है ब्रेन लाइट मशीन गन को अपने साथ लेके भाग आया था। इसके अलावा उसके पास से 11 मैगजीन और 300 से ज्यादा जो राउंड थे वो भी बरामद किए गए थे UPSTF के छापे में। UPSTF ने छापा मार के जो भगौड़ा आर्मी का जवान था उसको गिरफ्तार कर लिया था और उसकी निशानदेही पे ब्रेन लाइट मशीन गन को भी जब्त कर लिया था। उसने बताया था कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी जो है 1 करोड़ रुपए देकर इस लाइट मशीन गन को खरीदना चाह रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो माफिया थे, क्रिमिनल्स थे, उनके बीच में ब्रेन लाइट मशीन गन की दीवानगी थी और किसी भी कीमत पे वो खरीदना चाह रहे थे। ऐसे ही आरोप जो है मुख्तार अंसारी पे भी लगे थे और कई अन्य जो माफिया थे उन पे भी लगे थे। तो यही थी इसकी खासियत और यही थी सब कुछ इस ब्रेन लाइट मशीन गन के बारे में। इसको कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इंडिया जैसे देश भी इसको यूज करते हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं कितनी फेमस रही होगी। तो अब पूछते हैं आपसे एक क्वेश्चन, भारतीय सेना की वो कौन सी मशीन गन है जो आपको पसंद आती है, या कौन सी जो लाइट मशीन गन या हैवी मशीन गन है जो भारतीय सेना को यूज करनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।